गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई वेलकम यू इन द ऑनलाइन क्लासेस ऑफ न्यू राजस्थान पब्लिक स्कूल। हम मैथमेटिक्स सब्जेक्ट पढ़ रहे थे। आज आपके जो प्रेप क्लास है उसमें चैप्टर नंबर हम 4 पढ़ रहे हैं। चैप्टर नंबर 4 में हमने पेज नंबर अपना पढ़ लिया था, जिसमें हमने पढ़ा था 11 to 20 नंबर्स को कैसे बनाया जाता है, उनकी पहचान करना सीखा था, उनके नंबर नेम सीखे थे। एंड आप जो ने नंबर्स पढ़े, अब से पहले मैं पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि प्लीज़ अपने बच्चों के साथ बैठिए, उन्हें पढ़ाइए, स्टडी कराइए, ताकि उनकी लर्निंग जो कैपेसिटी है वो बढ़े। क्योंकि वो स्कूल नहीं आ पा रहे हैं, तो छोटे बच्चे उनको पढ़ने में हो सकता है लापरवाही करते ही हैं, बच्चे खेलने में ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो प्लीज़ पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि उन्हें साथ बैठ कर, चाहे वो हाफ आवर ही सही, लेकिन एक सब्जेक्ट के लिए कम से कम हाफ आवर उन्हें बैठ के उन्हें लर्न करवाए, उन्हें वर्क कराए, ताकि वो अच्छे से उसे कम्प्लीट कर सके और वो मोटिवेट हो सके। तो प्लीज़ उनकी हेल्प कीजिए, ताकि वो पढ़ाई रेगुलर कर सके। ओके स्टूडेंट, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पेज नंबर 12। ओपन योर बुक्स, पेज नंबर 12। काउंट एंड राइट, आपके लिखा हुआ है काउंट एंड राइट। इसमें हम क्या सीखेंगे, 21 to 30 नंबर्स बनाना सीखेंगे। चैप्टर नंबर 4 ही है आपका, नंबर्स 11 to 50। नंबर्स 11 to 50, इसमें आज हम सीखेंगे। इससे पहले हमने सीखा 11 to 20 नंबर्स कैसे बनाए जाते हैं, इसमें आज सीखेंगे 21 to 30 नंबर्स कैसे बनाए जाते हैं। देखिए, टॉपिक है आपका नंबर्स 21 to 30। ओके, 21 to 30, हम एक एक ही लाइन सीख रहे हैं, तो आप प्लीज़ इसे लर्न करें रेगुलर, ताकि वो लर्न होता रहे साथ के साथ। ठीक है, पेंडिंग मत रखिए अपने वर्क को, रेगुलर करते रहिए, जिससे आपकी लर्निंग हैबिट ज़्यादा अच्छी हो जाएगी, कैपेसिटी ज़्यादा हो जाएगी आपकी लर्न करने की। ओके, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 21 to 30 नंबर्स। जब हमने 11 नंबर्स बनाया था तो क्या किया था, 10 में प्लस 1 किया था, 10 में प्लस 2 किया था। ठीक है, तो इसी तरीके से हम 21 to 30 नंबर्स बनाएंगे। हमारा लास्ट नंबर क्या था, 2020, तो उसमें क्या करेंगे, हम पहले 1 ऐड करेंगे, फिर 2, 3, 4, 5, इस तरीके से हमें क्या करनी है, पूरी सीरीज उसमें ऐड करनी है, 1 to 10 ऐड करना है। जैसे आपकी बुक में भी दिखाया गया है, यहाँ लिखा हुआ है 2 10s, यानी 10 10 के 2 स्टोर्स है और प्लस 1 का एक बीट है, उसको 20 plus 1 21। इसी तरीके से हम काउंटिंग करेंगे। देखिए 21 कैसे बना है, 21 बना है आपका 20 प्लस 1 से मिलके, इस तरीके से 20 प्लस 1 इज इक्वल टू 20 प्लस 1, तो 0 प्लस 1 1, 2 के नीचे कोई डिजिट नहीं आ रही है, तो 2 का डिजिट इज 2, तो 20 प्लस 1 कितना होगा, 20 plus 2। मैंने आपको बताया मुझे एक वही लाइन 1 to 10 ऐड करनी है सारे नंबर्स में, तो 20 plus 2 20 21 22, तो ये कितना हो जाएगा आपका 2 2 22। ओके, देखो 0 plus 2 2, 2 के नीचे कोई डिजिट नहीं है, तो 2 का डिजिट इज 2। नेक्स्ट नंबर होगा आपका 20 plus 3 20 plus 3, तो 0 plus 3 3, 20 के नीचे कोई डिजिट नहीं है, तो 20 का 2, 20 plus 3 23, 20 plus 4 इज इक्वल टू, ओके देखिए 1 2 3 4। ठीक है, इसी तरीके से हमें सीरीज ही ऐड करनी है, इसे 1 to 10 की सीरीज, तो 0 plus 4 4, 2 के नीचे कोई डिजिट नहीं है, तो 2 का डिजिट इज 2, तो 2 4 24, 2 1 21, 2 2 22, 2 3 23, 2 4 24। लेकिन ज़्यादा इजी रहेगा आप इसको इस तरीके से स्पीक करें, 21 22 23 24। नेक्स्ट क्या ऐड करेंगे, 20 में 4 ऐड कर लिया है, 4 के बाद में कौन सा नंबर आता है, 5, कौन सा नंबर आता है, 5, तो 20 में 5 ऐड करोगे तो 25 कितना हो जाएगा,
25। नेक्स्ट देखिए, अब 20 में हम क्या ऐड करेंगे, 4, 5 के बाद में कौन सा नंबर आता है, 6। तो 20 में क्या ऐड करोगे, 6, 0 प्लस 6, 6 एंड 2 का एज इट इज 2, तो ये हो गया 26। 6 के बाद में 20 में क्या ऐड करोगे बेटा, 7, तो 20 प्लस 7, 20 में 7 ऐड करेंगे, 0 प्लस 7, 7, क्योंकि नीचे कोई डिजिट नहीं है तो एज इट इज 2 का 2, तो ये हो गया 27। 20 प्लस 8, 0 प्लस 8, 8, एंड 2 के नीचे कोई डिजिट नहीं है इसलिए 2 का एज इट इज 2, तो ये हो गया 28। एंड अब ऐड करेंगे 9, कितना ऐड करोगे, 9, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ओके सीरीज चल रही है, 20 में 9 ऐड करोगे तो 2, 9, 29, एंड 20 में क्या ऐड करना है, अब हमें लास्ट में 9 के बाद में क्या आता है, 10, 10, 10 ऐड करेंगे, 0 प्लस 0 कितना होगा, 0, 2 प्लस 1, 2 एंड 1, 1, 2, 3, तो ये कितना हो जाएगा, 30, इसको क्या स्पीक करना है, 30, और ये क्या था, 13, कितना था, 13, और ये क्या है, 30, ओके स्पीक करते हुए ध्यान रखें, ये है 13, ये है 30, ओके ये हो गए आपकी 21 to 30 काउंटिंग। अब देखिए 20 प्लस 1, 21, 20 प्लस 2, 22, 20 प्लस 3, 23, 20 प्लस 4, 24, 20 प्लस 5, 25, 20 प्लस 6, 26, 20 प्लस 7, 27, 20 प्लus 8, 28, and 20 plus 9, 29, 20 plus 10, 20, sorry, 30, ओके ये हो गई 21 to 30। आपने काउंटिंग बनाना सीखा, अब हम इनके सीखेंगे नंबर नेम। नंबर नेम भी बहुत इजी है आपके, नंबर नेम में आपको क्या करना है, जैसे आपने 1 to 10 सीरीज ऐड की तो उसमें आपके क्या यूज़ में लिया जाएगा, 1 to 10 नंबर्स यूज़ में लिए जाएंगे जो आपको लर्न है। आपको ओनली 20 की स्पेलिंग लर्न करनी थी लास्ट वाली, उसमें 1 ऐड किया, जैसे हमने 20 plus 1 किया उसी तरीके से हमें नंबर नेम में करना है। देखिए किस तरीके से, जैसे हमारा नंबर था फर्स्ट नंबर 21, ये मिलके बना था 21 से, किससे मिलके बना था, 21 से, ठीक है, जो 21 हमारा नंबर है वो बना था 20 plus 1 से मिलके, बना था 20 plus 1 is equal to 21, तो इसका नंबर नेम है वो भी मिलके बना होगा 20 plus 1 से। देखिए किस तरीके से इसका नंबर नेम, हमने स्पीक किया 21, तो हम नंबर नेम में भी वही लिखेंगे 20, 20 की स्पेलिंग क्या थी, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ी थी ना हमने पिछले लेक्चर में, TWENTY, 20, ओके हम स्पीक कर रहे हैं 21, तो आगे लिखोगे ONE, 21, बहुत इजी है ना, 21 जो हमने 1 to 10 पढ़ा है, ठीक है। नेक्स्ट नंबर क्या आता है, 22, 22, हमने स्पीक किया 22, तो वही करना है, 20 लिखना है, पहले 20 की स्पेलिंग लिखिए, TWENTY, 20 and 2, 22, TWENTY, 20, TWO, 2, 22, देखिए 20, 20, 1, 2, तो आपको क्या करना है, ओनली 1 से लेकर 20 तक नंबर नेम लर्न करने हैं, आगे की सीरीज आपकी बनती जाती है उन्हीं की स्पेलिंग से। नेक्स्ट नंबर होगा आपका 23, 23, 23, स्पेलिंग देखिए TWENTY,
23 23 नेक्स्ट नंबर होगा 24 तो क्या करना है पहले किसकी स्पेलिंग लिखेंगे 20 की TWENTY 20 एंड 4 की स्पेलिंग क्या होती है FOUR वेरी गुड क्या होती है FOUR 4 24 नेक्स्ट नंबर होगा 25 TWENTY 20 एंड 5 की स्पेलिंग क्या होती है FIVE 5 26 फिर से 20 की स्पेलिंग लिखिए TWENTY 20 SIX 6 26 के बाद में नेक्स्ट नंबर क्या होता है 27 कौन सा होता है 27 ये मिलके बनाता है 20 प्लस 7 से किससे बनता है 20 प्लस 7 से तो देखिए नंबर नेम भी इसी तरीके से लिखेंगे 20 TWENTY 20 SEVEN 7 27 नेक्स्ट नंबर होगा 28 वही 20 की स्पेलिंग TWENTY 20 एंड 8 की स्पेलिंग क्या होती है EIGHT 8 EIGHT 8 आप देख रहे हैं सीरीज में क्या हो रहा है कि देखिए 21 22 तो हमने जब ऐड किया था तभी क्या किया था 20 प्लस 1 20 प्लस 2 20 प्लस 3 तो नंबर नेम में भी तो वही यूज़ हो रहा है 20 प्लस 1 21 बीच में प्लस का साइन नहीं आएगा लेकिन नंबर नेम इसी तरीके से बन रहा है देखो 20 की स्पेलिंग प्लस 1 की स्पेलिंग 21 इसी तरीके से देखिए 20 की स्पेलिंग 7 की स्पेलिंग 27 नेक्स्ट नंबर होगा आपका 29 तो 29 की स्पेलिंग में क्या होगा TWENTY 20 NINE 29 अब लास्ट में आता है आपका 30 कितना 30 तो 30 की स्पेलिंग क्या होगी ये चेंज करना है ओनली ये होगी THIRTY 30 क्या होगी THIRTY 30 एक मिनट फिर से मेरे साथ नंबर नेम स्पीक कर लीजिए फिर हम आगे रन करेंगे TWENTY 20 ONE 21 TWENTY 20 TWO 2 22 TWENTY 20 THIRE 3 23 TWENTY 20 FOUR 4 24 TWENTY 20 FIVE 5 25 TWENTY 20 SIX 6 26 TWENTY 20 SEVEN 7 27 TWENTY 20 EIGHT 8 28 TWENTY 20 NINE 9 29 एंड लास्ट है आपका THIRTY 30 ये हो गए आपके नंबर नेम्स अब मैं एक बार आपको 1 से 30 काउंटिंग स्पीक करवाती हूँ और लिखवाती हूँ देखिए आप सब मेरे साथ स्पीक करेंगे ताकि आपको ये फिर से लर्न हो जाए और आप लोग इसमें मिस्टेक ना करें किस तरीके से ओके स्टार्ट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ओके थोड़ा आगे लिख देते हैं हम इसको किस तरीके से यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7
एट नाइन टेन, नेक्स्ट नंबर क्या होता है हमारा इलेवन, तो इलेवन वन इलेवन, ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन नाइनटीन टू ज़ीरो ट्वेंटी। ट्वेंटी के बाद में क्या किया था, ट्वेंटी वन ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी एट ट्वेंटी नाइन एंड थ्री ज़ीरो थर्टी। ये क्या हो गई आपकी वन टू थर्टी काउंटिंग। अब हम इसे एक बार बैकवर्ड में काउंट कर लेते हैं, ओके? किस तरीके से करोगे, कहाँ से स्टार्ट करनी है, थर्टी से। थर्टी ट्वेंटी नाइन ट्वेंटी एट ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फोर ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी टू ट्वेंटी वन ट्वेंटी नाइनटीन एटीन सेवनटीन सिक्सटीन फिफ्टीन फोर्टीन थर्टीन ट्वेल्व इलेवन टेन नाइन एट सेवन सिक्स फाइव फोर थ्री टू वन। ये हो गई आपकी बैकवर्ड काउंटिंग। अब क्या होता है, आपने इसे लर्न कर लिया होगा, ठीक है। अब हम इनकी एक बार पहचान देखते हैं कि आपको ये लर्न हुआ या नहीं। देखिए, जैसे फोर्टीन, फोर्टीन के आफ्टर में ये कितना है, वन फोर फोर्टीन। पहचान में आया आपको कितना लिखा हुआ है, वन फोर फोर्टीन। तो फोर्टीन के आगे डैश लगा हुआ है, मतलब इसके आगे कौन सा नंबर होगा, ओके? फोर्टीन के आगे कौन सा नंबर होगा, तो देखिए फोर्टीन, फोर्टीन के आगे कौन सा नंबर है, फिफ्टीन। तो यहाँ क्या आएगा, वन फाइव फिफ्टीन। उसी तरीके से ये कौन सा नंबर है बताइए, टू थ्री ट्वेंटी थ्री। तो 23 के आगे डैश लगा हुआ है, तो आगे वाला नंबर बताना है। 23 के आगे कौन सा नंबर होगा बताइए, 24 24। देखिए 23 23 आगे क्या है, 24 24। इसी तरीके से 26 26, तो इसके आगे नंबर बताइए, ये रहा 26। आगे क्या आएगा, 27, ओके? ये तो हो गए आफ्टर में आने वाले नंबर्स। अब बिफोर का देख लीजिए, बिफोर मतलब पीछे की तरफ डैश लगा होगा, जैसे कि 21। तो 21 के बिफोर में कौन सा होगा, ऊपर तो कुछ नहीं है, इसका मतलब ये नहीं इसके पीछे कुछ नहीं था। नीचे आइए, 20 के बाद में आया था ना 21, तो 20 से पहले कौन सा नंबर था, सॉरी 21 से पहले कौन सा नंबर था, 20। तो यहाँ कितना होगा, 20। एंड नेक्स्ट देखिए, 29 के बिफोर में यानी पहले कौन सा नंबर है, देखिए 29 29, इसके पहले कौन सा नंबर है, 28 28। क्लियर? एंड 30, तो 30 से पहले बताइए कौन सा नंबर होगा, ये रहा आपका 30। 30 से पहले कौन सा आ रहा है, 29। तो यहाँ आ जाएगा आपका 29। ये हो गया बिफोर। एंड आपका आता है बिटवीन। बिटवीन में क्या करते हैं, मिड वाले नंबर लेते हैं, जैसे कि 16 एंड 18 की बिटवीन में कौन सा होगा। देखिए कहाँ है 16, 16 एंड 18 की बिटवीन में कौन सा नंबर है, 17 17। तो यहाँ आप लिखेंगे 17 17। एक और देख लीजिए, 25 एंड 27 की बिटवीन में कौन सा नंबर होगा। तो कहाँ है 25, ये रहा, एंड 27, तो इनके बिटवीन में कौन सा नंबर आ रहा है, 26। तो यहाँ क्या लिखेंगे, 26। और अगर बिटवीन वाला नंबर दे दिया जाए, तो जैसे कि हमें दे दिया 22 22, कौन सा नंबर दिया, 22 22। इसका आफ्टर भी बताना है और क्या बताना है, बिफोर 22 22। तो इससे बिफोर ये में कौन सा नंबर है, देखिए ये रहा 22,
कि बिफोर में कौन सा नंबर है 2121 एंड आफ्टर में कौन सा है 2323। उसी तरीके से 29, इसके आफ्टर में बताइए और बिफोर में बताइए। 29 कहाँ है, 2929 ये रहा, तो 29 के बिफोर में कितना है 28 एंड आफ्टर में 3030। ये आपको समझ में आया काउंटिंग? ओके, अब आपका आता है होमवर्क। होमवर्क में क्या करना है आपको, होमवर्क में करना है आप एस डब्ल्यू नोट कर लीजिए अपना। एस डब्ल्यू में आपको क्या करना है, बुक के पेज नंबर 12, पेज नंबर 12 ओपन कीजिए अपने बुक का। पेज नंबर 12 में आपको काउंटिंग लिखी हुई है 21 to 30 और यहाँ पे बॉक्स है, फिल बॉक्स है, इन बॉक्सेस में आपको 21 to 30 क्या करनी है, काउंटिंग करनी है पेंसिल से सुंदर सुंदर हैंडराइटिंग में, और साथ में जो साइड में नंबर नेम दिए गए हैं उन्हें स्पीक भी करोगे ताकि वो आपको साथ में लर्न हो जाए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।